झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को एक खास संदेश दिया है। वीडियो में हेमंत सोरेन ने कहा कि आखिरकार षड्यंत्र पर विजय पाकर हमने राज्य के विकास का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है। झारखंड अपने आप में बहुत अलग राज्य है, एक ऐसा राज्य जहां लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करते हैं। और भी बहुत कुछ कहा हेमंत सोरेन ने, देखिए पूरा वीडियो। झारखंड के जनता और देश की जनता को मेरी ओर से जोहार है। आज 4 जुलाई का तारीख है, 31 जनवरी का दिन यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज 5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया, सड़कों पर आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया और अंतोगत्वा न्याय के आदेश के अनुरूप, और न्याय ने मुझे पाक साफ करार देते हुए बरी किया। आज मैं पुनः आपके सामने हूं। 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज को एक दिशा देने के लिए, आपका सेवा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया था, लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी ऊंचे पदों पर जा सकता है। और अंततः 31 जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद आरोप पर झूठे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं रहता है, कहीं ना कहीं आज आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद जो विगत लोकसभा में झारखंडी एकता का जो परिचय आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों का सदा ऋणी रहूंगा। और हमने पहले भी कहा है, झारखंड के जो हमारा प्रदेश है, यहां के जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, कुचले, किसान, मजदूर, हम उन्हीं की आवाज हमेशा बनने का प्रयास हम लोगों ने किया है, लड़कर झारखंड लिया है। और गरीब को कभी भी कोई प्यार से किसी ने कुछ दिया नहीं है, हमेशा संघर्ष उनको करना पड़ा है। लेकिन जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, हम अनवरत आपके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास हमने किया था, लेकिन ये लोग हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करके कुछ समय के लिए रोक पाए। अब मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और इस राज्य के लिए मेरा हर एक निर्णय यहां के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहां के
दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के लिए हर वर्ग हमारी कोशिश रहेगी। मैं अब शपथ ग्रहण लेने जा रहा हूं और शपथ ग्रहण के बाद हम लोग जो रुकी हुई गाड़ी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार की विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा और झारखंड रुकेगा नहीं और झारखंड झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।